नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कार्तिक मास के महात्म्य की कथा लेकर आई हूँ। पहले दिन की कथा में हम अध्याय एक का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनके दर्शन और उनकी कृपा पाने को आतुर रहते हैं, ऐसे सनातन धर्मावलंबियों को, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों को इस मंत्र का हर समय जप करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रेम ही प्रेम होता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं तो हमारे रोम रोम से प्रेम फूटता है, मन सदैव आनंदित रहता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है ही ऐसी। कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान भक्तों की जल्दी सुनते हैं। इस मास में किए गए व्रत, जप और दान से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार अधिक मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और उन्होंने उसे अपना नाम दिया और उसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, इसी तरह कार्तिक मास भी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और उन्होंने इसे भी अपना नाम दिया। इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास में नियम लेने वाला व्रती प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, तुलसी जी का पूजन करता है। तुलसी जी के साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की आंवली की, पथवारी की, पीपल की, इनकी भी सबकी पूजन करता है। हरि का जागरण करता है, भजन कीर्तन करता है। कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय रोज सुनता है। साथ ही कार्तिक की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा, तुलसी जी की, पथवारी की, गणेश जी की, पीपल की, इनकी सबकी कथा भी सुनता है। और इन सब कथा के वीडियोज मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोज को सुन सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंत में उनके डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगी। दीपदान करता है रोज और अंत में कार्तिक मास का उद्यापन करता है, जो कि कार्तिक मास के अंत में किया जाता है। आइए देखें कार्तिक मास के महात्म्य का पहला अध्याय पहले दिन की कथा के रूप में। इस अध्याय में हम देखेंगे श्री कृष्ण और सत्यभामा के बीच का संवाद तथा कल्प वृक्ष की कथा का वृत्तांत। नैमिषारण्य तीर्थ में सूर्य महाराज 88,000 शोनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में बैकुंठ को प्राप्त करता है। सूर्य जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर जब देवऋषि नारद जी चले जाते हैं तो सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से बोलती है कि हे नाथ, मैं तो कृतार्थ हुई, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे जन्मदाता भी धन्य हो गए कि जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक की सुंदरी को जन्म दिया, और मैं भी धन्य हो गई जो आपकी 16,000 रानियों में से आपकी परम प्यारी महारानी बनी, आपकी पटरानी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ मिलकर नारद जी को विधि विधान पूर्वक दान में दे दिया था, जिसकी बात को मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी मनुष्य और जीव जंतु नहीं जानता है। आज वही कल्प वृक्ष मेरे आंगन में लहराया करता है। हे स्वामी, अब इस समय मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, इसलिए अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, जिसे सुनकर मैं अपने हित के लिए कोई और कार्य कर सकूं, जिसके करने से मैं कल्प पर्यंत आपसे विमुख न हो सकूं, आप मुझसे विमुख न हो पाए। सूत जी कहते हैं कि सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्ण वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी भगवान हंसते हुए विलास भाव पूर्वक सत्यभामा जी की बाह पकड़कर और उनके दास दासियों को तो वहीं रोक के और उनको लेके कल्प वृक्ष के नीचे आते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारी हो, प्राणों के समान प्यारी हो, सबसे ज्यादा प्रिय हो। तुम्हारे समान प्रिय मुझे कोई रानी नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैंने देवताओं और देवराज इंद्र से भी विरोध किया था। इस विषय में मैं तुमको एक महाअद्भुत बात बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुलोचने, एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक को गया था। वहां मैंने इंद्र से तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष मांगा था। अब इंद्र के मना कर देने पे गरुड़ जी और इंद्र का घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गौ और गरुड़ के युद्ध के बीच में गरुड़ की चोट से गौ के कान और पूछ और पृथ्वी पर कटकर गिरे, और कान से तो तंबाकू बना और पूछ से गोभी उत्पन्न हुई तथा इसमें जो रुधिर बहा उससे मेहंदी उत्पन्न हुई। इन तीनों का सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, इसीलिए 11 के दिन मेहंदी नहीं लगाई जाती है। गौ के सिंह से गरुड़ जी भी घायल हुए तो उनके 3 पंख कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जिनसे नीलकंठ, मोर और चकवाचक्की उत्पन्न हुए। चूंकि वो गरुड़ जी के पंख थे तो वो गरुड़ जी के समान ही पुण्य फलदायी थे,
तो उनके दर्शन करने से गरुड़ जी के दर्शन के बराबर फल मिलता है और भगवान के लोक की वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, तुम्हारे लिए हर कार्य पूरा कर सकता हूँ, तुमसे हर बात कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? हे प्रिय, तुम जो पूछना चाहती हो सो पूछो, मैं बताऊंगा। ऐसा ये भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं ताकि उनका संकोच दूर हो सके सत्यभामा जी का, और वो निर्भीक होकर बात को पूछ सके। ये सुन के सत्यभामा जी बोलती है, हे नाथ, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी, मैंने कौन कौन से दान व्रत और तप किए थे जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए थे कि मेरा यहाँ आकर मैं आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे अपने साथ में लेकर इंद्र आदि देवताओं के स्थान पर घूमते हो, मुझे वो सब जानने की इच्छा है। अब भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में कौन की पुत्री थी, कौन से पुण्य व्रत आदि और शुभ कार्य तुमने किए थे, वो सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग का जब अंत हो रहा था और त्रेता युग का शुरुआत होने वाली थी, उसके पहले मायापुरी में अत्रि गोत्र में सब वेद वेदांगों को जानने वाला, यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति अतिथियों की सेवा करता था, सदा हवन करता था और सूर्य भगवान का पूजन करता था। वह सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और इसी कारण सूर्य भगवान की पूजन करने के कारण वह भी सूर्य भगवान के समान तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के घर बुढ़ापे में एक बहुत ही सुशील कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम उसने गुणवत्ती रखा। बड़ी होने पे उस कन्या का विवाह उसने देव शर्मा ब्राह्मण ने अपने ही एक शिष्य चंद्र नाम के शिष्य के साथ उन्होंने कर दिया, और वो दोनों गुरु शिष्य कहे हम उनको या ससुर जमाई कहे, दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे, क्योंकि उस देव शर्मा के और कोई पुत्र तो था ही नहीं, तो दोनों वहीं पे साथ में रहते थे। अब एक दिन क्या होता है कि वो दोनों हवन के लिए कुशा और संविदा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में जाते हैं। अब हिमालय चूंकि जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं तो बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। अब वहां पे एक विकराल राक्षस को वो अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। अब चूंकि दोनों ब्राह्मण थे तो वो राक्षस को देखते ही उन तो डर के मारे उनका शरीर शिथिल हो जाता है और उनमें तो इतनी भी शक्ति नहीं बचती, इतना भी सामर्थ्य नहीं रहता कि वो भाग के और अपनी जान बचा ले। तो वो राक्षस काल के समान राक्षस उन दोनों को मार के और खा जाता है, इस तरह से उनको मार डालता है। अब हिमालय के पुण्य पावन क्षेत्र के कारण उसके प्रभाव से, और वो दोनों भी बहुत धर्मात्मा थे, हवन पूजन करते थे, अतिथियों की सेवा करते थे, तो इस कारण से भगवान के पार्षद उनको लेके बैकुंठ में आ गए। ऐसा भी कहा भगवान ने कि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा उपासना की थी, इसलिए भी भगवान श्री कृष्ण उनपे बहुत प्रसन्न थे। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी और विष्णु जी की उपासना, ये पांचों देव पंचदेव कहलाते हैं, और इनकी उपासना करने वाले लोगों को स्वर्ग की यानी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जैसे वर्षा का जल सब दूर से इकट्ठा होकर समुद्र में एकत्रित हो जाता है, ऐसे ही भगवान बताते हैं कि मैं भी एक होते हुए काल और कर्मों के भेद से पांच रूप में विभक्त हूँ। ये सभी देवता जो है ये मेरा ही रूप है। जैसे हम एक देवदत्त को पिता, भ्राता, चाचा, भतीजा अलग अलग नाम से अलग अलग व्यक्ति बोलता है, परंतु होता तो वो वास्तव में देवदत्त ही एक ही है, इसी तरह से ये पांचों मेरे ही रूप हैं, जो कि अलग अलग नाम से बोले जाते हैं, अलग अलग रूप में पूजे जाते हैं। तो जब वो दोनों विमान पे चढ़े तो उनका भी रूप सूर्य के समान तेजस्वी हो गया, रूपवान हो गए, चंदन उनके शरीर पे लग गया और उन्होंने पवित्र माला धारण करके वो लोग वैकुंठ में आए और मेरे ही पास उस दिव्य लोक में रहने लगे। श्री कार्तिक मास महात्म में प्रथम अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।